वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो भाई आज हम आ गए हैं भाई कमला नगर में। एंड कमला नगर दिल्ली की बहुत ही फेमस मार्केट है। आप देख सकते हो भाई अभी भी कितना रश है कोविड के बाद। तो गाइस बॉम्बे की मशहूर भेलपूरी। तो अंकल जी क्या नाम है आपका? परशुराम। तो अंकल जी अब मैं कितने से कितने बजे लगाते हो आप ये अपना? सुबह 11 बजे सर। सुबह 11 बजे से रात को 9 बजे तक। रात के 9 बजे तक। तो अंकल जी आपकी क्या बेस्ट आइटम है जो आप कहोगे कि खा ले भाई तू बढ़िया तरीके से? मेरे लिए तो तीनों चीजें ठीक है। सारी आइटम बढ़िया है आपकी? मतलब भेलपूरी भी है, गोलगप्पे भी। तो भेलपूरी के नाम से अंकल जी का नाम काफी सुना है मैंने। तो मैं गाइस भेलपूरी लगवाता हूँ अंकल जी से। तो चलिए अंकल जी भेलपूरी की मेकिंग दिखाएंगे अब हमें। लगाइए अंकल हमारी एक प्लेट भेलपूरी। तो ये जो है भाई इसमें लगेगी अब भेलपूरी। तो ये जो है इन्होंने भेल डाल दिया। अंकल मार्केट से खरीदते हो भेल? अच्छा भेल डाल दिया। क्या क्या डाल दिया अंकल जी बोलते रहो? भेल डाल दिया, मुरमुरे डाल दिए, सेब डाल दिए। अच्छा मुरमुरे डाल दिए, सेब डाल दिए इन्होंने, नमकीन डाल दिए, नमकीन डाल दिए, पापड़ी डाल दी। और ये पापड़ी डाल दिए। पापड़ी खुद बना खुद है या फिर कैसे करते हो? ये भी रेडीमेड, ये भी रेडीमेड ही है। और अब इसमें गिर रहे हैं मसाला। मसाला ये मसाले सारे मार्केट के हैं या आप खुद अपने यूज करते हो? खुद अपने भी है भाई। मसाले इनके अपने यूज करते हैं, कुछ मार्केट से है सामान। भाई जब अपने मसाले यूज करें तभी तो कुछ हाथ में बात होगी अंकल के। तभी भाई इतनी जो है अभी मैं काफी 5 मिनट से वेट कर रहा हूँ भाई कि वीडियो बनाने के लिए अंकल जी फ्री हो हमारे। अब अंकल जी ने धनिया डाल दिया, टमाटर डाल दिए और ये भाई आलू डाल दिए। और ये क्या है अंकल जी आपका? मीठी चटनी। ये मीठी चटनी किस चीज की चटनी है? ये अमचूर की। अमचूर की चटनी है भाई मीठी। और ये है हरी चटनी, ये मिर्ची की। अच्छा ये मिर्ची की है। और कुछ भी डालते हो आप अपनी हरी चटनी में? दही थी। अच्छा तो मतलब दही वगैरह सब कुछ डालते हो? नहीं इसमें दही नहीं डलता। अच्छा इसमें आपकी वाली चटनियों में दही नहीं डलती है। ओके तो ये देखिए अब नींबू जो है नींबू डलेगा भाई हमारी भेलपूरी में। ये गया नींबू अंदर भाई। और अब इसको तो अब इसको कितना टाइम लग जाएगा अंकल जी? बन गई है मेरे ख्याल से हमारी। बन गई है। ये देखिए भाई गाइस भेल पूरी तैयार हो गई है। आप भी आकर एंजॉय कर सकते हैं यार यहाँ पर। और भाई ठंड में जो है जब शॉपिंग टाइम में तो ये बेस्ट चाट है भाई। मतलब हर कोई बंदा खाता ही खाता है आके जब इधर उधर आता है मार्केट में घूमने फैमिली के साथ। भेल पूरी हमारी भाई तैयार हो गई है बढ़िया से। ये देखिए अब प्लेट में लग रही है भाई। मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके बताता हूँ अंकल जी क्या प्राइस है इसका। 50 रुपए भाई 50 रुपए की भेल पूरी। तो अंकल जी आपका वैसे कितना पुराना स्टॉल है? मैंने देखा था अभी भी कितनी भीड़ थी। कितना पुरा कब से लगा रहे हो आप वैसे? हो गया 15-16 साल भाई। 15-16 साल पुराना जादू है ये भाई। ये देखिए अभी भी ये डाल दिए, ऊपर से सेब डाल दिए भेल पूरी में। एंड उसके बाद जो है डलेगा कोरिएंडर डल गया हमारा। एंड भाई हमारी भेल पूरी तैयार हो गई है। तो चलिए गाइस मैं आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ कितनी प्यारी लग रही है भाई। एक बार ये देखिए भेलपूरी हमारी। ये देखिए भाई मैंने काफी तारीफ सुनी थी। एंड भाई हमारी बॉम्बे की भेलपूरी आ चुकी है यार टेबल पे यार। अब मैं आपको उसको टेस्ट करके बताता हूँ। भीड़ से ही पता लग गया था मेरे को कि स्वाद बढ़िया होने वाला है। बाकी फिर भी टेस्ट तो आपको करके दिखाना ही होता है भाई। हम जेन्युइन रिव्यूज देते हैं आपको पता ही है। बहुत ही बढ़िया स्वाद है भाई पापड़ी में। एंड उसमें बहुत ही अमेजिंग है। आप भी आकर ट्राई कर सकते हो यहाँ पर कमला नगर में। मीठी सॉल्ट का भी बढ़िया स्वाद आ रहा है। कमला नगर में आकर गाइस आप भी ट्राई कर सकते हो मात्र 50 रुपए में भाई। इतनी बढ़िया प्लेट भर के भेलपूरी मिल रही है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड मुझे पता है आपने हमारे चैनल को अभी जिसने भी फॉलो नहीं करा है फॉलो कर लें यार। हम इतने बढ़िया बढ़िया यूनिक यूनिक चीज़ें लाते रहते हैं आपके लिए। तो गाइस फॉलो ज़रूर करें।